एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। भारतीय किसान संघ द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें गेहूं धान का समर्थन मूल्य दिए जाने तथा वर्तमान में खराब हुई फसलों का सर्वे कर मुआवजा दिए जाने की मांग की गई। मालूम हो कि भारतीय किसान संघ के द्वारा केवल दमोह में नहीं पूरे प्रदेश में इस तरह के धरना प्रदर्शन किया गया है। साथ ही उन्होंने शासन प्रशासन को चेतावनी भी दी है, यदि इस तरह का धरना प्रदर्शन किए जाने के बावजूद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन भी होगा। भारतीय किसान संघ के द्वारा देर तक यह प्रदर्शन किया गया, वहीं अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। दस दिनों से हमें जिला प्रशासन केवल आश्वासन दे रहा है कि हम सर्वे करा रहे हैं, डेटा जारी कर रहे हैं, हम लोग निरंतर मांग कर रहे हैं। अभी वर्तमान में पूरे प्रदेश में आज दिनांक को हम लोग जो मांग कर रहे हैं वह धरना एवं प्रदर्शन की जो हमारी मांग है वह जो करता आया है वो तो आगे भी अनुशासन में रहकर कार्य करता रहेगा। परंतु सरकार यदि हमारी बात को हल्के में लेगी, अगर सरकार हमारी बात को हल्के में लेगी तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बात होंगे। भारतीय किसान संघ इस सीजन की फसल है मसूरी बटरी चना, तो चने की फसल हमारे दमोह जिले में नष्ट हो गई है। मसूर की फसल टोटल चौपट हो चुकी थी। हम लोगों ने 20 दिन पहले, एक महीना पहले ज्ञापन दिया था शासन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, तो जो शासन में बैठे हुए सरकार है इनके कानों में रू तक नहीं सुने गए कि यहाँ के किसानों की क्या हालत हो रही है। हम लोगों को किसानों के खेत में कटाई लगी है और धरने पर आना पड़ा, और जब धरने पर आना पड़ा तो इस प्रदेश की सरकार को चेतावनी देते हैं। हम लोग आज दमोह जिले में नहीं बैठे, पूरे समस्त मध्य प्रदेश के 52 जिले में बैठे हुए हैं और दमोह जिले की मांग नहीं मानी गई तो हम लोग भारतीय किसान संघ और रोड पर आने को मजबूर होगा, इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की। आपका धरना एक दिन का है अनिश्चितकालीन? एक दिन से धरना है, 2 बजे ज्ञापन दे देंगे। चलिए, 1 मार्च 2024 को भारतीय किसान संघ पूरे प्रदेश के 52 जिलों में धरना प्रदर्शन कर रहा है और इसी तारतम्य में भारतीय किसान संघ की जो मांग है वो जो वादा किया था सरकार ने इसके पूर्व घोषणा पत्र में गेहूं के समर्थन मूल्य की कीमत उन्होंने 2700 रुपये देने का वादा किया था, धान की कीमत देने का 2100 रुपये किया था, परंतु 4 माह इस सरकार को आए हुए हो गए हैं, आज तक किसी तरह की ना तो सुगबुगाहट है और गेहूं का समर्थन मूल्य जो है 2100 या 2700 दिया जाए, इसके विरोध में ही हम आज यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के दमोह जिले में पिछले विगत 10 वर्षों से 10 दिन पूर्व जो मौसम बिगड़ा था उस ओला पानी और बरसात के कारण फसल इस जिले की पूरी बर्बाद हो चुकी है। चना मसूर में कुछ बचा नहीं है, कम से कम 80% की है। इसके लिए हम लोगों ने पिछले दिनों सर्वे की मांग की थी, परंतु कलेक्टर महोदय ने आज तक सर्वे नहीं करवाया है और ना किसी तरह की कोई बातचीत हम लोगों को बताई है, ना आश्वासन दे रहे हैं। इसीलिए इसी तारतम्य में हम लोगों ने यहां पर धरना दिया है और अभी ज्ञापन हम 2 बजे सौंपेंगे। मैं भारतीय किसान संघ का प्रदेश मंत्री RC पटेल।